10 मिनट पास्ट 6, 10 मिनट गुजर चुके हैं 6 के, क्योंकि यहाँ वाला टाइम था इसलिए हमने इसको पास्ट यूज़ किया। 10 मिनट पास्ट 6 और 6:10, जब हमने इसको वर्ड्स में लिखा तो हमने लिख दिया 6:10। इज इट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 169। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्लॉक के, जिसको हम देखेंगे। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो? आपने बताने क्लॉक कौन सा टाइम शो कर रही है। राइट इन वर्ड्स एंड नंबर्स, आपने उनको वर्ड्स और नंबर्स दोनों में लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है, 7:05 गुजर चुके हैं, तो हम लिखेंगे 5 मिनट पास्ट 7, मतलब 7:05 गुजर चुके हैं तो 7:05। नेक्स्ट वाली में 9:15 गुजर चुके हैं तो 9:15। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाली 2 भी इसी सेम पैटर्न से सॉल्व हैं। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आज हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 170। एक्सरसाइज नंबर 6A, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे। स्टूडेंट, आपने वो डेट एंड डे राइट करनी है जिस डेट एंड डे पे आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। आज हमने डे 23 का काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन, अ डे हैज़ डैश आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट वन, देर आर 12 आवर्स बिटवीन मिडनाइट एंड डैश, देर आर 12 आवर्स बिटवीन मिडनाइट, 12 घंटे मिडनाइट के हैं और 12 घंटे किसके हैं? नून के। जैसा कि हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 12 घंटे मिडनाइट के हैं और 12 घंटे नून के हैं। नेक्स्ट वन, सी 8 AM इज 9 आवर्स आफ्टर, 8 बज चुके हैं और 8 बजे से हम 9 घंटे अगर आगे जाएं तो क्या टाइम होगा? तो हम 8 से 9 बजे तक का टाइम काउंट कर लेते हैं। जैसे 8 से 9 एक घंटा, 9 से 10 दूसरा घंटा, 10 से 11 तीसरा घंटा, 11 से 12 चौथा, 12 से 1 1 से 2 2 से 3 4 से 5 आठ से लेके 8 AM से हमने 9 आवर्स आगे जाना है, तो 8 AM से हम 9 आवर्स आगे जाएंगे तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो इसको हम अपनी ये जो सामने आपको क्लॉक शो हो रही है यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कि 8 AM से हमने 9 घंटे आगे जाना है तो हम कैसे जाएंगे। जैसे देखें 8 o'clock हो रहा है, 8 o'clock से 9 घंटे आगे जाने, तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 घंटे हम आगे आगे, इट मीन्स क्या टाइम हो रहा है? 5 PM। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 PM। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, देर आर डैश आवर्स बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के टाइम तक कितने घंटे गुजर जाते हैं? तो हम 10 से लेकर 5 बजे तक के टाइम को काउंट कर लेते हैं। देखें 10 से हमने काउंट करना है 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट मीन 7 आवर्स, 7 घंटे गुजर जाते हैं 10 AM से 5 PM तक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, 200 मिनट्स मेक डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स, 200 मिनट से कितने घंटे और कितने मिनट बनते हैं? देखें 200 मिनट्स है ना, तो जैसे एक घंटे में 60 मिनट हैं, मैंने इनको अलग लिख दिया। 60 मिनट एक घंटा, 60 मिनट दूसरा घंटा, 60 मिनट तीसरा घंटा, इट मीन्स 3 आवर्स हो गए। और जब इन मैंने 60 को प्लस किया तो 180 हो गए। 200 में से 180 जब हम माइनस कर देंगे तो 20 मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे। इट मीन्स 200 में 3 आवर्स हमारे आवर्स के हो गए, और 200 में से 180 माइनस किया तो 20 मिनट्स हमारे पास मिनट्स के हो जाएंगे। इट मीन्स 200 में 3 आवर्स और 20 मिनट्स हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो ट्रू है उसके सामने आपने टी लिख देना है, जो फॉल्स है उसके सामने आपने एफ लिख देना है। फर्स्ट वन, अ डे इज़ फ्रॉम 12 midnight टू 12 midnight, एक दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहता है, तो उसका मतलब है ट्रू है ये, क्योंकि दिन रात के 12 बजे शुरू होता है और अगले रात के 12 बजे तक एंड हो जाता है। नेक्स्ट वन, नून कम्स आफ्टर मॉर्निंग, नून आता है मॉर्निंग के बाद, मतलब दोपहर बाद में आती है, पहले मॉर्निंग आती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट वन, एवरी डे बींग्स एट नून, हर दिन हमारा हर दिन दोपहर से शुरू होता है। नो, हमारा हर दिन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट वन, देर आर 14 आवर्स बिटवीन नून एंड मिडनाइट, नून और मिडनाइट के दरमियान में 12 आवर्स होते हैं, 15 आवर्स नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट वन, देर आर 1600 मिनट्स इन आवर्स, एक घंटे में 600 मिनट्स होते हैं,
एक घंटे में 600 मिनट्स नहीं होते, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है. इज़ इट क्लियर? होप सो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 171. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे. स्टूडेंट आपने वो डेट एंड डे राइट करनी है जिस डेट एंड डे पे आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आपने ऑप्शन गिवन है उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है. 1 hour 20 मिनट्स इज सेम एज. एक घंटा और 20 मिनट्स किसके इक्वल होता है? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 में हम 20 मिनट प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 80 मिनट्स के इक्वल. एक घंटे में 60 मिनट है, उसमें 20 प्लस किया तो 60 में 20 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80 मिनट्स. इज इट क्लियर? 80 मिनट्स इसका आंसर है. बी, मिडनाइट कम्स आफ्टर. मिडनाइट के बाद क्या आता है? मिडनाइट है 12 AM, उसके बाद आता है 1 AM. 12 नून नहीं आता, 11 PM नहीं आता, 11 AM नहीं आता. इज इट क्लियर? अ डे एंड एट. अ डे एंड एट. एक दिन कब ख़त्म होता है? 12 नून को, 10 PM को, 11:50 PM को. नो, 12 मिडनाइट को हमारा एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मिनट्स इन 3 hours. एक 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. 3 0 0 0 3 3 6 18. इट मीन्स 180 मिनट होते हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में. इट मीन्स 3 hours में 180 मिनट्स होते हैं. नेक्स्ट वन, 15 मिनट्स बिफोर 6:45 PM इज. 6:45 से 15 मिनट हमने पीछे जाना है, तो हम 6:45 में से 15 मिनट को माइनस कर देंगे. 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, वो 6 एज इट इज़ आ जाएगा. इट मीन्स 6:30 PM होगा. इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ AM और PM टू राइट द टाइम गिवन बिलो. जैसा कि आपको AM और PM का यूज़ पता है ना, कि रात के 12 बजे से नेक्स्ट दोपहर के 12 बजे तक हम AM यूज़ करते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक हम PM यूज़ करते हैं. तो आपने इन स्टेटमेंट को पढ़ के इनके साथ AM और PM का यूज़ करना है. इज़ इट क्लियर? 8 o'clock इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में 8 o'clock, तो 8 AM हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में AM होता है. बी, 3 o'clock इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून का 3 o'clock, इट मीन्स 3 PM. आफ्टरनून दोपहर के बाद का 3 बजे, तो वो 3 PM शो होगा. 5 hours बिफोर नून. नून का मतलब है 12 बजे से पहले. बिफोर का मतलब है पहले. 12 बजे से पहले कितने? 5 घंटे. तो मैंने 12 में से 5 को माइनस कर दिया तो हो जाएगा 7. इट मीन्स 12 बजे से 5 घंटे पहले हम गए तो आ जाएगा 7 AM. 12 नून है ना, तो नून से 5 घंटे पीछे जाएंगे तो 7 PM हमारे पास आ जाएगा. इज इट क्लियर? 2 hours बिफोर midnight. 2 घंटे पहले midnight से. midnight से 2 घंटे पहले, तो हम क्या लिखेंगे? 10 PM. इज इट क्लियर? 1 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह का 1 बज गया, इट मीन्स वो दोपहर के 12 बजे के बाद बजते, तो हम लिख देंगे 1 PM. नेक्स्ट वन, 9 o'clock एट नाइट. रात के 9 बज चुके हैं, तो हम लिखेंगे 9 PM. हाफ एन आवर्स बिफोर नून. नून से आधा घंटा पहले, तो वो हो जाएगा 11:30 AM. इज इट क्लियर? 7 इन द इवनिंग. शाम के 7 बज चुके हैं, तो 7 PM आ जाएगा. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मिनट्स विल हैव पास्ड व्हेन द मिनट हैंड मूव फ्रॉम. आपने बताना है कितने मिनट गुजर जाएंगे जब मिनट हैंड मूव करेगी 12:04, 12:08, 12:09, 12:12. जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12:04 जो हमारी मिनट हैंड है वो मूव करेगी 12 से 4 तक, तो हमारे पास कितने मिनट गुजर जाएंगे? जैसे देखिए, मैंने ये क्लॉक बनाई है, तो आपने अपनी रफ कॉपी पे ये क्लॉक बनाकर, रफ कॉपी पे क्लॉक बना के इसको देख लेना है. जैसे 12:04 है, तो 12 से 4 तक हम काउंट करेंगे कितने मिनट गुजर जाते हैं. 12 से 4 तक हमने काउंट किया तो 5. हमने हर यूनिट को एक अलग अलग नेम दे दिया है, तो जब हम 4 तक आए तो वो 20 मिनट गुजर चुके हैं. इट मीन्स यहाँ हम लिख देंगे 20 मिनट. इज इट क्लियर? हमने यहाँ लिख दिया 20 मिनट. इसी तरह आपने क्लॉक को सामने बनाकर 12:08 भी काउंट कर लेना है, 12:09 भी. आपने अपनी रफ कॉपी पे क्लॉक बना के इस टाइम को अच्छी तरह से देख लेना है. इज इट क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी आवर्स डज द आवर हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 2 to 6। आपने बताना है कि जो आवर्स हैंड है वो मूव करती है 2 to 6 से, तो कितने घंटे जाते हैं। 2 से 6 तक हमने काउंट करने हैं, तो 2 से 6 तक काउंट करेंगे तो 5, 10, 15, 20। इट मीन्स के हमने 2 से 6 तक काउंट किया तो कितने घंटे गुजर जाएंगे। जब हमने 2 से 3 तक काउंट किया तो 1 घंटा, 3 से 4 तक दूसरा घंटा, 4 से 5 तक तीसरा घंटा, 5 से 6 तक चौथा घंटा। इट मीन्स के जब हमने 2 से 6 तक काउंट किया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 आवर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सेम इसी पैटर्न से करना है। अपने रफ कॉपी पे क्लॉक को बनाकर उस पर आपने इन टाइम को देखना है। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 172। सी हाउ मेनी मिनट्स आर शोन इन द शेडिड एंड अनशेडिड पार्ट ऑन द क्लॉक। आपने बताना है कि शेडिड और अनशेडिड पार्ट में कितने मिनट हैं। तो ये तो हमें बहुत ईजी है देखना। यहाँ तक हमारे 30 मिनट्स हैं, 12 से 6 तक 30, और यहाँ 6 से 12 तक 30 मिनट्स। इट मीन्स के 30 मिनट हमारे पास शेडिड हैं और 30 मिनट ही हमारे पास अनशेडिड हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइम डज द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक शो राइट द आंसर इन द वर्ड्स एंड नंबर्स। आपके पास एनालॉग और डिजिटल क्लॉक शो हुई है, आपने इनका टाइम नंबर्स में और वर्ड्स में लिखना है। इज इट क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, हमारे पास 1:20 गुजर चुके हैं। जैसे देखें, 1 पे छोटा हैंड हमारे पास 1 पे है, तो छोटा हैंड आवर्स को शो करता है, मतलब घंटों को शो करता है। तो 1 के पास आ जाएगी तो ये घंटे का है, तो ये घंटे का हैंड है, और ये जो बड़ा हैंड है, लॉन्ग हैंड है, ये मिनट का हैंड है। तो 12 से हमने 4 तक काउंट किया तो 20 मिनट गुजर चुके हैं। जैसे 5, 10, 15 एंड 20, इसको जब हम नंबर्स में लिखें तो इट मीन्स हमारे पास 1:20 गुजर चुके हैं, 1:20 हो चुके हैं। जब हमने 12 से 4 तक काउंट किया तो हमारे पास 1:20 आ गया। तो जैसा कि 1 से लेकर 4 बजे तक टाइम गुजर चुका है, हमने पढ़ा था इस वाले को हम पास्ट से शो करते हैं, तो कितने मिनट गुजर चुके, 20 मिनट गुजर चुके, 20 मिनट पास्ट गुजर चुके हैं ना, तो पास्ट लिख देंगे किसके गुजर चुके, 1 के। तो हमने यहाँ लिख दिया 1। इट मीन्स 1 के 20 मिनट गुजर चुके हैं। पास्ट का मतलब होता है जो गुजर जाता है, तो 20 मिनट गुजर गए 1 के। इज इट क्लियर? और जब हमने उसको नंबर्स में लिखा तो हमने लिख दिया 1:20। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम। आपने सेम इसी पैटर्न से अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, आपने स्टूडेंट पेंसिल से सॉल्व करने हैं, मैं पॉइंटर से सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। इज इट क्लियर? होप सो ये आपको सारा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर आपने अपनी मैथ्स की कॉपीज़ ओपन करनी है, मैथ्स की नीट कॉपीज़ ओपन करनी है, 1 पेज रेडी करना है, डेट एंड डायमेंशन करनी है, टेबल ऑफ 13 एंड 14 आपका होमवर्क है। यहाँ आपने होमवर्क अपनी मैथ्स की कॉपी पे सॉल्व करना है। टेबल ऑफ 13 एंड 14 सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है जिस पैटर्न से मैंने यहाँ सॉल्व किया है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।